नर्मदे हर दोस्तों, स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। और सुबह सुबह कान्हा जी की पूजा करके नहीं पर अभी ड्यूटी जा रहा हूँ और गुड़िया रानी देखी गोद में है, मुझे छोड़ नहीं रही हैगी। तो आज देखते हैं नर्मदे मैया के कितने परिक्रमावासी मिलते हैं और उनके दर्शन कराऊंगा आप सभी लोगों को। आप वीडियो को अच्छी लगे तो जरूर कमेंट में नर्मदे हर लिखें और अपनी राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और गुड़िया रानी देखी, गुड़िया रानी बोलो जय जय कर लो सभी को, जल्दी करना जय कर लो, जल्दी जय करो, जल्दी जय जल्दी करो करो, पीपी बैठेंगे फिर करो जय जय जय। देखो पीपी बैठने के लिए कर रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी? नांदेड़ महाराष्ट्र से। तो बाबा जी परिक्रमा करते हुए कितने दिन हो गए आप लोगों को? 3 महीने हो गए, कल 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 3 महीने तो आप लोग पैदल परिक्रमा करते हैं कि? हाँ, पैदल परिक्रमा, वाहन में बिल्कुल नहीं बैठते हैं। तो बाबा जी एक बात और बताइए, जो परिक्रमा आप कर रहे हैं इसमें आपको कोई पैसा भी खर्च होता है कि नहीं? पैसे की वैसी तो मैया जरूरत नहीं पड़ती जी, क्योंकि परिक्रमा वासियों के लिए कुछ अच्छे से लोग है जी, वो जो पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं जी, मगर जरूरत तो नहीं पड़ती, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है ना? पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैया पूरी पूरी इंतजाम कर देती है जी। कोई व्यक्ति अगर परिक्रमा करना चाहे और उसके पास पैसे ना हो तो भी परिक्रमा पूरी तरह से हो जाएगी, पूरी तरह से हो जाएगी, पूरी तरह से हो जाएगी, मैया बिल्कुल उसकी मतलब पूरी पूरी तरह से उसकी देखभाल करेगी जी। तो बाबा जी आप परिक्रमा कर रहे हैं, इस परिक्रमा 3 महीने के दौरान कोई ऐसा बात क्या हुआ जो आप कहना चाहते हो? ऐसे बहुत सारी बात है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जी, ये अनुभूति की बात है जी, मतलब नर्मदा मैया और परिक्रमा करने वाला वो भक्त जी, ये दोनों के बीच बात है जी, मतलब ऐसी अनुभव आते हैं कि जो ये बयां भी नहीं कर सकते जी। नर्मदा मैया किस रूप में आपके सामने आएगी, किस रूप में आपको मदद करेगी ये भी बोल नहीं सकते जी, मगर हमारे अब मेरा अनुभव ये है जी कि मैं मतलब मेरा पांव बहुत दुख रहा था जी, तो मैं चल नहीं पा रहा जी, तो उतने में रास्ते में एक डॉक्टर साहब आ गए जी, और उनसे मैं ऐसा ही नर्मदे हर हो गया और उनसे कहा कि मेरा पांव दुख रहा है, तो उन्होंने एक मलम दिया और एक उनको नस का भी नाड़ी का भी ज्ञान था जी, उन्होंने नाड़ी नाड़ी मेरी दुरुस्त कर दी जी, मतलब वो मलम लगा के जी। तो इस तरह से अब मैं उसके बाद 10 किलोमीटर चला उस जी, तो इस तरह से मैया किसी भी रूप में अब वो डॉक्टर के रूप में मेरे सामने आ गई। तो नर्मदा मैया की आगाध लीला है जी, नर्मदे हर। बहुत मतलब आपने अच्छी बात बताई बाबा जी। और आप खड़े हैं अभी डोंगरवाड़ा, और देखिए बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पे खड़े नर्मदा मैया के दर्शन हो रहेंगे। ये कहाँ डोंगरवाड़ा है, देखिए बाबा जी दर्शन करी नर्मदा मैया के, है ना? हम देखे रहे चलने के। चलिए बाबा जी अब मैंने बता दिया और इसीलिए मिल गए हमें आप लोगों को, और इसके बाद मेरा गाँव हासलपुर आने वाला, उसके बाद में रंडाल, रंडाल के बाद में गोआश्रम सातधारा बाबा जी, जहाँ पर बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है और सभी परिक्रमावासियों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था है वहाँ पर, जो भी परिक्रमावासी बाबा जाते हैं वहाँ पर भोजन करके जाते हैं, इसलिए आप वहीं रुकिएगा भोजन प्रसाद करके फिर आगे बढ़िएगा। मेरी सबसे आपसे एक विनती है जी बाबा कि आप जिंदगी में आप चाहे पैदल परिक्रमा करो जी, बस से करो या गाड़ी से करो जी, मगर किसी भी तरह से एक बार तो नर्मदा परिक्रमा आप जिंदगी में पूरी कीजिए जी बाबा, उससे बड़ा भाग्य कौन सा नहीं है जी बाबा। ये बात आप सबके लिए बोल रहे हैं जो वीडियो देखेंगे कि मेरे लिए बोल रहे हैं? नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ, जो भी ये वीडियो बोल देख रहे हैं भैया, मानव जाति के लिए, सबके लिए, समस्त मानव जाति के लिए बोल रहे हैं बाबा जी कि जीवन में एक बार नर्मदा मैया परिक्रमा जरूर करें, जरूर करें। और भी कुछ कहना चाहते हो आप मेरे चैनल पर? भैया जब परिक्रमा करते हैं तो आपका जो गुरु है जी, आपका जो हमपना है जी, वो सब मिट जाता है जी। ऐसे लोग हैं, अब शूलपानी जंगल में हम थे जी, तो ऐसे लोग हैं वहाँ पे कि जिनके उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है जी, मगर ऐसे आदिवासी लोग पूरे डोंगर पे मतलब नीचे से पानी लाना पड़ता है उनको जी, मगर वो जब हम माथे पे पहुँचते हैं शूलपानी जंगल के माथे पे पर्वत के माथे पे, तो वहाँ पे हमको एक गिलास पानी पिलाते हैं जो अमृत समान होता है जी, एक कप चाय पिलाते हैं
जो अमृत समान होता है, चाहे हम वहाँ पे चाहे कि हम मैं 1,00,000 रुपए दूंगा और मुझे 1 गिलास पानी चाहिए या समझो 1 गिलास 1 कप चाय चाहिए तो भी वहाँ पे नहीं मिल सकता जी। मगर वो लोग मुफ्त में वो सेवा देते हैं, ये किस कि, ये जो मानवता के लिए है ना बहुत बढ़ के है जी। जो पैसे वाला है ये उससे बहुत बढ़ के है जी, ये दान बहुत बढ़ के है। इसलिए मैं ये नर्मदा परिक्रमा का जो अनुभव है वो आप जरूर जरूर जी बाबा जी और सभी भक्तों नर्मदा मैया के भक्त हैं और सभी सुन लीजिए भैया कि एक बार जीवन में नर्मदा मैया परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और बाबा जी सौभाग्य की बात है बिल्कुल नर्मदा मैया के पावन तट पर ही मिल गए हैं। बाबा जी मेरे घर से भी 1 किलोमीटर है नर्मदा मैया और समय समय पे मैं भी जाता हूँ और नर्मदा परिक्रमावासी रोज गाँव से निकलते हैं। मेरा नाम है सतीश धुंडोपन देश पांडे जी, मैं गैस्टेड ऑफिसर था, क्लास 1 बोल के रिटायर हो गया जी। ये है मेरे साथीदार अरुण जी दाहड़े, हम दोनों भी परभनी से है जी। मैया का आदेश हो गया रिटायर होने के बाद जी कि आप परिक्रमा करो, बस हम निकले, अभी 250 किलोमीटर खाली है वो भी पूरी हो जाएगी नर्मदा की कृपा से। नर्मदे तो बाबा जी सरकारी जॉब में थे ना आप? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में था, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था जी। बाबा जी क्या बात है, आपने देखी रिटायर होने के बाद आप सत्संग मार्ग पे निकल पड़े हैं और यही जीवन है सही मायने में तो। और आपके भी मुझे दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। आपका कोई मोबाइल नंबर बोल दीजिए तो वीडियो में आपके पास सेंड करूंगा। 9403 जी 22 जी 12 जी 16 जी। क्या नाम बाबा जी अभी बताया? सतीश धुंडोपन देश पांडे जी। बाबा जी वीडियो और ये फोटो जो मैं निकाल रहा हूँ सब आपके पास सेंड करूंगा। और यूट्यूब पर प्रेम मिलन नाम से मेरे चैनल है बाबा जी, जिस पर जितने परिक्रमावासी निकलते सभी बाबाओं के जो मुझे मिलते हैं सबको मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और सब अपने अपने विचार बताते हैं बाबा जी। आशीर्वाद दे जाइए बाबा जी, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सक्सेस हूँ। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके ही। और गुरुदेव के आश्रम पे आप जरूर रुकिएगा बाबा जी जी, छुट्टी के दिन मुझे मिलते तो मैं घर ही ले चलता आपको। अब ड्यूटी करता हूँ बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी। प्रेम मीना यूट्यूब पे आप बोलेंगे प्रेम मीना आ जाएगा। और इस बाबा ने जो नंबर दिया उस पर मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो 2-3 दिन में मिल जाएगा। बोल दीजिए बाबा जी। 99-60-65 बाबा जी अंग्रेजी में बोलिए, आपकी भाषा समझ नहीं आती। 99 जी 6065 जी 8691 जी। बाबा जी आपके पास भिजा दूंगा और बाबा जी के पास भी आप दोनों आपस में फिर कर लीजिएगा ना। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, बहुत ही रमणीक ये दृश्य है। नर्मदा जी का पावन तट है, ग्राम डोंगरवाड़ा है ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर बाबा लोग मिल गए तो। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी कौन से जिले से आ रहा है? खंडवा के हैं। तो बाबा जी कितनी मूर्ति है आप? 4 3 माता जी हैं और एक आप है बाबा जी, जी, जी। तो बाबा जी कितने दिनों का परिक्रमा करते हैं आपको? 4 महीने 4 महीने जी। पैदल यात्रा बिल्कुल। माता जी नर्मदे हर। माता जी इस उम्र में आप परिक्रमा कर रही है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है? बाबा जी आप बताइए नर्मदा परिक्रमा करते हुए आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून हो रहा, आत्मा में शांति मिल रही जी। और ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर बैठे माँ की गोद में बैठे जी। तो बाबा जी ऐसी कोई मतलब आपके साथ कोई वाक्य हुआ हो नर्मदा परिक्रमा के दौरान जो आप कहना चाहते हो? मैं चाहते हैं कि हमको किसी रूप में जी माता जी के दर्शन भी प्राप्त हुए जी, साक्षात तो नहीं हुए जी, पर किसी रूप में भी दर्शन प्राप्त हुए जी। जैसे कि बाबा जी, जैसे कि मतलब के बालिका के रूप में, संत के रूप में जी, किसी पागल के रूप में, ऐसा लग रहा है कि कोई पागल है पर वो पागल नहीं है, वो माता जी का स्वरूप है जी। और बाबा जी मतलब आप पैदल पूरी परिक्रमा कर रहे हैं और ये परिक्रमा पूरी कहाँ होने वाली है? ओमकारेश्वर में होने वाली है। तो बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए? उनके लिए बड़ा सुगम और सरल, और लोग इतनी सेवाएं देते हैं कि अपने घर से ज्यादा जी, घर तोड़ जो लोग परेशान होते हैं कि हमको खाना नहीं मिला, कि भोजन नहीं मिला, कि पानी नहीं मिला जी, पर यहाँ बड़े बड़े लोग जी, राजा महाराजी भी आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं जी। बाबा जी, बाबा जी आपने बहुत अच्छा बताया है। और अभी डोंगरवाड़ा में खड़े, इसके बाद में हासलपुर, इसके बाद में रंडाल, रंडाल के आगे गोआश्रम सातधारा है,
बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है जहाँ पर परकम्बावासियों की सेवा की जाती है। भोजन प्रसादी जो भी परकम्बावासी आते हैं उन सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था, भंडारे चलता है बाबा जी। गिरिजी महाराज के यहाँ बादाम गिरी जी महाराज, बादाम गिरी जी कितना पड़ेगा साहब? यहाँ से नहीं पड़ेगा, 6-7 किलोमीटर है बाबा जी। बादाम गिरी जी महाराज जी बिल्कुल सड़क किनारे बना हुआ है, और जैसे ये घर बना है ऐसे सड़क किनारे पे वो आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम गुरु जी का, तो वहाँ जरूर रुकिएगा, भोजन प्रसादी करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा बाबा जी। जी बना बना भोजन मिलता है बाबा जी वहाँ पे। मैया तो उपवास है आज, 11 से ना माता जी, मैंने ये सुना 11 के दिन मतलब चलते नहीं है, वहीं रुक जाते हैं क्योंकि नहीं नहीं आपका कहना सही है जी, पर हम सुबह 5 बजे निकलते थे जी, आज 9 बजे निकले जी, क्योंकि मैंने बाबा जी मुझे मिलते हैं ना तो बाबा जी बोलते हैं आज 11 है और आज के दिन हम यात्रा नहीं करते, एक जगह ही रुक जाते हैं। उपवास रहते दोनों टाइम तो उनने का शरीर थोड़ा सा लूंज रहता जी, जी, तो इसलिए उनने का रुक जाए एक ही जगह, पर ऐसा नहीं है 11 के दिन आप जैसा कोई जाते आते हैं तो जाते नहीं क्या जी। बाबा जी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है और बाबा जी चैनल देख रहे हैं, बाबा जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है चैनल, और इससे ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है इससे जी। बाबा जी मेरा यही प्रयास है कि सभी लोगों को घर बैठे बैठे आप जैसे भक्त भक्तों नर्मद मैया परकम्बावासी बाबाओं के दर्शन हुए। नर्मदेहर बाबा जी ये पल दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, ये जीवन डबल नहीं आएगा, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं ना ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा लोगों से वीडियो भेजाऊँ। तो बाबा जी मेरा नंबर नर्मदे हर नर्मदे हर। बाबा जी फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो, बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप याद करते रहेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माता जी, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। नर्मदे हर बाबा जी नर्मदे हर जी बाबा जी नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए बाबा लोगों के दर्शन, अद्भुत है ये दर्शन। और डोंगरवाड़ा गांव आने वाला ये थोड़ी देर में, और ये डोंगरवाड़ा के बाहर ये जो है कुछ घर भी बने हुए हैं, और ये गेहूं की खेती है देखिए अभी कटने वाली है आजकल में। बाबा जी, बाबा जी नाश्ता पानी हो रहा है, आप भी ले। कौन से जिले से बाबा जी? बाबा जी आप आइए बाबा जी, अरे अरे प्रसाद है नर्मदा जी। जय नर्मदा भैया। बाबा जी देवास जिले के हैं, कितने दिन होगा परिक्रमा करते? चार महीने में 2-4 रोज का, तो बिल्कुल पैदल कर रहे हैं बाबा जी। पैदल तो बाबा जी कैसा लग रहा है, थोड़ा अनुभव बताइए ना नर्मदा भैया परिक्रमा करते हैं। भैया का तो बता ही नहीं सकते अपन, अपार है उनकी लीला, तो कुछ बता नहीं सकते अपन। और बाबा जी अभी तो मुझे भी ज्यादा समय नहीं है, तो ये डोंगरवाड़ा आने वाला है, उसके बाद में हासलपुर, उसके बाद में रंडाल आगा, रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सातधारा है जहाँ परकम्बावासी बाबाओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, भंडारा चलता है गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज के यहाँ, तो आप वहाँ जरूर रुके भोजन प्रसादी करके ही आगे बढ़े बाबा जी। गौतम गोआश्रम सातधारा बादामगिरी जी महाराज, हाँ बिल्कुल सड़क पे आप जाएंगे, बिल्कुल सड़क किनारे पे ही बना हुआ है, नर्मदा जी तट पे, नर्मदा जी 1 किलोमीटर है वहाँ से बाबा जी, वहाँ सात धार है नर्मदा मैया की, तो आप वहाँ जरूर रुकिएगा बाबा जी। बापार का ही घाट है जी, बापार बापार उस सामने कौन सा घाट? सामने होलीपुरा घाट है, होलीपुरा, और वहाँ होलीपुरा घाट है बाबा जी उस साइड में भी, और सात धार का आप दर्शन करेंगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। सात धार उस तरफ से गए थे ना जी, सामने भोलेनाथ दुर्गा जी का जी जी, वो हमारे परिवार का है, खोलवाड़ परिवार का, मतलब मीणा समाज का मंदिर है वो जी, बाबा जी। एक रोज वहाँ भी जाऊंगा, वहाँ के भी मुझे वीडियो बना के नहीं और आप लोगों तक पहुँचाना है। बाबा जी आपका कोई मोबाइल नंबर हो तो बताइए, तो मैं आप तक ये वीडियो भेजाऊंगा जरूर, सब पहुँचा देना जी। बाबा जी जो भी परकम्बावासी निकलते मैं सबको वीडियो बनाता हूँ, आज मेरे पास समय कम है। और बाबा जी थोड़ा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में और बताइए आप, बाबा जी आप नंबर निकालेंगे तो बाबा जी बताएंगे। बहुत बड़ा अरे कहीं बात की कमी नहीं रहने वा जी, कहानी जो सुपान की झाड़ी में है जी, बच्चा ने पर दिक्कत कपड़ा नहीं है जी, वे सेवा कर रहा बेचारा, जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं वो भी सेवा कर रहा है सुपान की झाड़ी में जी। और बाबा जी देखिए यहाँ पे आके नहीं, जो भी बड़ा करोड़पति भी व्यक्ति है ना, ये कुछ काम अभी काम भाई रहे मीटा, जब वो ये भयान चाय पी ले हम जी, पूरा शहर में एक होटल आ रहा चाय पी ले, अभी ये गाँव भाई रहे
प्यार निकल जी। बाबा जी सब प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं, लेकिन अच्छे ज्यादा मिलते हैं और अपने अच्छों पे ध्यान रखना है। माँ नर्मदा की तो ऐसी कुछ कृपा है जी, नर्मदे हर करे न करे वो उनकी मर्जी है, अपन तो करो जी। पर वो समय से सब कुछ देती, जब अपने को नींद नहीं आती तो नींद तक तो देती है जी बाबा जी। हाँ। जी। नींद भी यार, भोजन की तो कहो ही मत जी। क्या क्या भोजन दे देती है वो। बाबा जी बोल रहे हैं हमने जो खाया नहीं वो भोजन मिल गया। भोजन तो अपार भोजन क्या देती है वो। हमने ये चीज नहीं खाई, ये चीज और खाई हमने जी बाबा जी। नर्मदा जी दिया नहीं आप नंबर लिखिए, बोलिए बाबा जी, बोल दीजिए 62 69 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
6176। कौन का नंबर बाबा जी? ये नानक राम के नाम से आएगा, अपना पुत्र का है। जी बाबा जी, ये वीडियो में उन तक जरूर भेजाऊंगा। नर्मदेहर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बैठेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डोंगरवाड़ा गांव आ रहा, वहाँ भी एक मंदिर है, अगर चाहते विश्राम कर सकते हैं। आप प्रसादी ले बाबा जी। बाबा जी, प्रसाद ले लूंगा, मुझे ड्यूटी जाना, समय पहुँचने में और आपके पास बात करता थोड़ा। नर्मदेहर बाबा जी, थक गए जी। कौन से जिले से आए बाबा जी? इंदौर से आए। तो बाबा जी, थोड़ा नर्मद मैया के महत्व के बारे में बताइए, आप परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बारे में क्या बताएं, सारे तीर्थ यही है ऐसा मानो और क्या। जी, नर्मद मैया के पावन तट पर, मतलब आप चारों धाम की यात्रा मत करो, मैया के एक बार परिक्रमा कर लो जी, साक्षात आपको दर्शन ही हो जाएंगे जी। बाबा जी, मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, नर्मदे हर बोलेंगे। तो बाबा जी, सबके लिए नर्मदे हर बोल रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। बाबा जी बैठे खोजनपुर के आगे, खोजनपुर आने वाला है, फिर डोंगरवाड़ा, फिर हासलपुर, फिर रंडहाल, और रंडहाल से 1 किलोमीटर आगे ग्वाश्रम सातधारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है बाबा जी, वहाँ जरूर रुकिएगा, भोजन प्रसादी करके आगे बढ़िएगा। जितने भी परिक्रमावासी जाते, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है वहाँ बाबा जी। और आप तो आधा घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ पर, 6-7 किलोमीटर है यहाँ से, नहीं है ना। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। नर्मदे हर बाबा जी।